देखिए PMEGP जो स्कीम है ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसके लिए, ताकि वो उनको एक मंच मिले और अपने आप का वो जो पोटेंशियल है उनके अंदर वो दिखाएं, और हम जो हम कर सकते हैं उनको सब्सिडाइज जो लोन्स हैं, जो ऐसे नॉर्मल लोग जो है बैंक से लोन लेने से डरते हैं कि इंटरेस्ट रेट है वगैरह, तो हमारी जो स्कीम है ये सब्सिडाइज है। इसमें आपको 35% तक आपको सब्सिडी मिल सकती है। जैसे 1 लाख का अगर लोन है तो उसमें 35% आपका माफ हो जाएगा, आपको 65,000 ही वापस करना है। तो ये उसी के रिगार्डिंग स्कीम है और ये आपको सब्सिडी मिलेगी और ये यूथ को एक वो देगी, अपॉर्चुनिटी देगी सो दैट कि वो आगे आएँ और अपने पैरों पर खड़े हों, और जो ये जो आउटस्कर्ट एरियाज़ हैं, जो फारफ्लंग एरियाज़ हैं, वहाँ पे अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, इसके मिनिमम आप 8 पास होने चाहिए और फॉर्मेलिटी ज़्यादा नहीं है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सिविल स्कोर, और आजकल वैसे भी पेपर वर्क ख़त्म हो गया, तो सिंपली आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना है, वो भी हम अपने जो हमारे ऑफिस के जो लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वही भर के दे देते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आप एक बार सिंपल KVIC ऑनलाइन साइट है वहाँ पर जाके आप सिंपली फॉर्म भरिए, और पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ मेन मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, ये उससे ज़्यादा कुछ नहीं, और एक एप्लीकेशन फॉर्म है, दैट्स इट। PNB से कोई इसमें वारंटी नहीं है, SBI से वारंटी नहीं है, तो ये जो हमारी बनी में है, JNK बैंक से मैंने सुना है कि 2-4 लाख भी लेते हो अगर आप PMEGP, तो उसमें भी वो वारंटी ले रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? एज पर जो स्कीम है उसमें ये सब प्रोविजन है नहीं है, 10 लाख तक कोई भी मॉर्गेज आपको नहीं भरनी है, ये गवर्नमेंट ये उसकी नोटिंग है, आपको नहीं देना। ये अगर कुछ फैला रहे हैं जो लोग, वो शायद गलत फैला रहे हैं, बट हमने ऐसा कुछ सुना नहीं है। हमने बहुत सारे जम्मू में भी, कठुआ में भी, सांबा में भी ये चल रहे हैं, जो मेन मेन एरिया है वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पे हम आपसे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कुछ है, बट हम फिर भी ये देखेंगे कि ऐसा कुछ हो रहा है तो हम चाहता है कि बैंक आपसे अगर कोई गारंटी मांग रहा है, आप हमारे ऑफिस आइए, हमें बताइए कि ये वाला बैंक हमसे गारंटी मांग रहा है, हम उनको फॉलो करें कि क्यों मांग रहे हो, जब पोर्टल में है ही नहीं, 10 लाख तक कोई गारंटी नहीं है, तब तक हम यहाँ बैठे हैं। हम चाहते हैं कि जो यूथ है वो रोज़गार दे, ना कि ले, यहाँ के लोन ले और अपना काम करें, ताकि वो आगे अपने लोगों को रोज़गार पर रखें। सुनने में आया, मैंने खुद लोगों की जुबानी से सुना है, अगर हमारी सेंट्रल स्कीम, अगर हमारी गवर्नमेंट यूथ के लिए ऐसी स्कीम्स ला रही है, तो फिर ये हमारे अफिसरान, बैंक के वाले अफिसरान ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो वारंटी क्यों मांग रहे हैं, किस बेस पे मांग रहे हैं? है जो बेनिफिशरीज है उनको हमारे ऑफिस आना चाहिए, हमें बताना चाहिए, ये शायद अवेयरनेस नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो आप यूथ को बोलिए, आप जैसे आप माध्यम है, सरपंच है, पंच है, आप उनको बोलिए, अगर ऐसा कुछ है आप हमें ये बताएं, हम फॉलो अप करेंगे, ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं, 10 लाख तक कोई गारंटी किसी की जरूरत नहीं है। थैंक यू।